ये देखिए मिट्टी का कुकर, मिट्टी का कुकर है, कुकर ही देखिए क्या बात है भाई। ये देखो दोस्तों मिट्टी का कुकर मैं आपको पहली बार दिखा रहा हूँ। ये देखिए मिट्टी का कुकर देखिए, प्रॉपर सीटी लगी हुई है। ये देखिए आप, सीटी भी आती है इसमें, सीटी भी आती है, क्या बात है। इसमें आप वेज नॉन वेज कुछ भी बना सकते हैं आप, क्या बात है, फर्स्ट क्लास। और सुगंध आएगी मिट्टी की, बहुत बढ़िया की सुगंध आएगी, बिना सीटी के कुकर, बिना सीटी का कुकर, ये क्या बात है भाई। ओ भाई साहब दोस्तों ये देखिए बिना सीटी का कुकर भैया ने बनाया हुआ है। और ये देखिए इसमें सीटी की नहीं लगाई आपने, इसमें क्या है ना किसी को प्रेशर वाली नहीं चाहिए। हाँ बिना प्रेशर की चाहिए। इसमें दाल बनाई है, ठीक है, उबलती हुई दाल से कहते हैं, क्या बात है, उबलते चावल। अच्छा जी, तो ये मतलब वजन आपने इसमें डाला हुआ है काफी है ना। हाँ। तो मतलब आपका नॉर्मली जो प्रेशर जो बनता है ना वो लेड, इसकी जो लेड बनाई है ना भैया ने, इसमें प्रॉपर जो है प्रेशर आ जाएगा और जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा वो निकल जाएगा साइड से। तो भैया इसका ढक्कन हिसाब से बनाया गया, देखिए आप इसका है मुंह, देखिए कितना उठा हुआ है, गहरा कितना ढक्कन है। तो इसका जब ये हैवी ढक्कन है, प्रेशर दबा रहेगा, आपकी सब्जी दाल चावल जो भी है बहुत जल्दी बनेंगे और टेस्टी बनेंगे, लाजवाब बनेंगे आप। क्या बात है, गर्मी का फ्रिज, गर्मी का फ्रिज है, फ्रिज क्या बात है, बिना बिजली के ठंडा करे पानी तो फ्रिज ही है ना, क्या बात है। तोहफा है, हाँ। ये देखो आप आवाज, ये बोतल आई है भाई, ये तो सुराही बना दी है भैया आपने, सुराही की शेप के अंदर बोतल बनाई है, क्या बात है, ठंडक बहुत बढ़िया इसकी भी। ये खाने की थाली है, क्या बात है, खाने की थाली है, बिल्कुल। इसमें आप सब्जी डालिए, दाल डालिए, सब्जी मटर पनीर शाही पनीर, इसमें आप छाछ डालिए, इसमें आप चटनी रखिए, और साइड में देखो पूरी जगह है। ये देखो भैया ने जो है मिट्टी की, जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो थाली बना दी है भाई पूरी, एक बार खाओगे ना बार बार ही खाओगे। तो देखो पूरी थाली है भाई मिट्टी की, और देखो स्पून भाई, स्पून भी आपको जो है मिट्टी का मिल रहा है, बहुत शानदार। ये लीजिए आप सर, ये क्या है, ये ग्लास, क्या बात है, मिट्टी का जो इसे पिएगा यूज करेगा ना वो कांच का भूल जाएगा। अच्छा जी, वाइन एंड बियर ग्लास इस्तेमाल कीजिए ना, आपको टेस्ट आए ना मजा आए, डबल आएगा, क्या बात है, पैसे वसूल है, बहुत बढ़िया। आपने अगर 1000 रुपए विस्की लिए ना इसमें पी के देखिए आप, आपको डबल मजा आएगा, 2000 रुपए विस्की आपको सही, 2000 विस्की मिली आपने, क्या बात है सर। ब्लैक हांडी इसमें क्या फायदा है, इसमें इसकी जो सुगंध उससे लाल से ज्यादा इसमें जो मजा आता ना बनाने का, अच्छा जी, इसमें नहीं आता। तो ये काला कैसे हो गया है, ये काले से टेम्परेचर होता है। अच्छा जी, टेम्परेचर तो कलर नहीं है इसमें, कलर नहीं है, क्या बात है, इसको टेम्परेचर से काला किया गया। अब आप बोलेंगे जैसे रूखा कैसे है, चिकना कैसे है, हाँ ये तो बताओ भाई, ठीक है। इसको क्या होता है, मिट्टी को हम बनाने, इसको बनाने में इसको इसकी रजाई करते हैं, इसको चमकाते हैं कपड़े से, अच्छा जी वो चमक गई है। तो ये आपने मतलब कलर नहीं लगाया, कलर नहीं है, क्या बात है भाई, बहुत से पॉलिश किया, पॉलिश नहीं है ये, क्या बात है, उसको रगड़ रगड़ के चमकाया गया। और ये देखो अंदर से रोकी है, फ्राई पैन में देखिए, यह एक इसका कांच का ढक्कन है, क्या बात है, ठीक है। और इसमें एयर के लिए हमने सुराख भी रखा ताकि एयर हो तो ढक्कन फेंके ना, क्योंकि बहुत से बिल्कुल पैक हो जाता है तो ढक्कन उठने लग जाता है जी। तो ये हमने एयर के लिए गैस के लिए सुराख छोड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपने फ्राई पैन तो देखा होगा, लेकिन ये देखो मैं आपको, देखो ये लेके आया हूँ आपके लिए बढ़िया चीज, ये देखिए फ्राई पैन और लिड के साथ, वो भी मिट्टी का, मिट्टी मानना पड़ेगा। इसमें चाय बना सकते हैं आप, अच्छा चाय बन सकती है, चाय बहुत फर्स्ट क्लास बनेगी जी, लेकिन चाय बनाएंगे तो चाय बनानी पड़ेगी फिर, चाय के लिए ही, चाय के लिए। हाँ और क्या बन सकता है सर इसमें, इसमें सर देखिए फिर टेस्ट अलग हो जाएगा, दूध गर्म करेंगे आप, ठीक है, चाय दूध का कॉम्बिनेशन चल जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, चाय दूध चल जाएगा। इसमें हैंडल लगाया सर, तो ये तो नहीं ये तो फिक्स है, देखो ना एसएस का ये पट्टी है पूरी पूरी पैक की हुई है बाकायदा, देखो नट बोल्ट के थ्रू, ये देखो बिल्कुल हैवी है, ये देखो क्या बात है, ये देखो हिलेगी नहीं, मतलब ही नहीं, उल्टा कर दिया मैंने, ये देखो आप, ये देखो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। ये हमारी दाल हांडी है, ये दाल की हांडी है, दाल की हांडी, क्या बात है। कुछ लोग क्या ना दाल उबाल के बनाते हैं, पहले उबालते हैं उसके बाद में तड़का लगाते हैं, अच्छा जी उसका टेस्ट अलग आता है। और कुछ क्या करते हैं, दाल के साथ छोका वाला लगाया, पानी डाल दिया, उबल के बात कर रहा हूँ, दाल बन गई। दो तरह के हिसाब से बनती है और दोनों काम के परफेक्ट है ये, क्या बात है। ये देखो आप, तो इसमें दाल हांडी चीजें बन सकती है, दाल हांडी सब्जी बना सकते हैं आप, अच्छा दाल बनाइए सब्जी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बिरयानी बन जाएगी, बिरयानी बन जाएगी, क्या बात है, बिरयानी बन जाएगी, बहुत बढ़िया। तो सब्जी कोई सी बना, सब्जी में कोई कोई दिक्कत नहीं है। दूध के आइटम आप नहीं करते, दूध, हाँ दूध अगर सब्जी की कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूध नहीं उसमें उबाल सकते आप, फट जाएगा दूध, बहुत बढ़िया। सर नेक्स्ट क्या है सर, अब ये देखो आप सर, ये क्या है, ये है कोरमे के लिए, कोरमे के लिए, अरे कोरमा है, कोरमा बनाइए, खुले मुंह का बर्तन है ये, ढक्कन है कितना बड़ा इसका, कोरमा खाओगे बार याद ही करोगे क्या कोरमा बनाया इसके अंदर, क्या बात है, ये बहुत शानदार। ये देखो आप, ये लिए आपने एक मिट्टी आता हुआ, ये बनाया हमने सुराख वाला, सुराख वाला, सुराख क्यों डाला आपने, सुराख इसलिए बनाया था इसी के ऊपर रोटी हमारी फूल जाएगी। अच्छा जी, आप कच्ची रोटी बनाएंगे और उसके बाद इसी पे आप फुलाएंगे, आपको गैस के ऊपर रखने की जरूरत ही नहीं है। आप है ना मतलब बर्तन बेचने वाले भैया हो या साइंटिस्ट हो, बाकी में कहा जाता है कि कुमार ही सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। अच्छा जी, पहले के हिसाब से कि पहले सब लोग मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनता था, खाना उसी में बनाते थे, उसी में खाते थे, क्या बात है। अब तो कल्चर इतने चल गए तो क्या कर सकते हैं, बाकी मिट्टी इसी में रोटी मार लेगी, हाँ जी बहुत शानदार। अब इसमें ये सुराख वाला रोटी पहले पचानी पड़ती है, इसमें पचाने का सिस्टम नहीं है, इसमें क्या है ना
जो गैस होती है ना हमें आज के टाइम में, सबको देखो किसी के पास जाओ गैस हो रही है, प्रॉब्लम गैस की सबसे ज्यादा है। आप तवे की रोटी खाएंगे कभी गैस नहीं होगी आपको। अच्छा जी, बिल्कुल क्या बात है, गैस होगी नहीं आपको। बहुत शानदार, ये देखिए बिना सुराख का तवा, ये बिना सुराख का है। हाँ, तो सर इसमें हैंडल लगाने का आइडिया कहाँ से आया? ये हैंडल क्या ना, मिट्टी क्या ना, क्योंकि उसके बाद चिमटे से उठाते हैं रखते हैं तो टूट जाता है, टूट जाता है। इसकी सेफ्टी के लिए हमने बनाया हैंडल ये, ताकि तवा हमारा सेफ रहेगा, टूटेगा नहीं, और उठाने में रखने में आपको सेफ्टी रहेगी, दिक्कत आपके हाथ भी नहीं चलेंगे। आजकल जो मॉडर्न लोग हैं वो लोग मिट्टी के बर्तनों को यूज नहीं करते हैं, लेकिन भैया ने बर्तनों को मॉडर्नाइज कर दिया। अब आप मना करके दिखाओ,